एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 16 फेब 2022 और आज है वेनेसडे। आज मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी हमारी विद द बेड टी एंड द रस्क। और अभी मेरे को सुबह सुबह ड्यूटी दे दी। यूजुअली ना मेरी वाइफ मुझे नाश्ता देती है, आज देखो मुझे बनाना पड़ रहा है, देख रहे हो आप। बट मैं भी चलाक हूँ, मैंने कोई भारी भरकम नहीं लिया है कि मैं पराठे बनाऊं और मैं ये करूं। मैं भी चला हूँ, ब्रेड मंगवाई थी हमने रात को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए। अभी उसको मैं तवे पे सेकूंगा, देखो तवे पे मैं डालता हूँ, ये लो तवे पे मैंने डाल दिया। अब ये सेकेंगी, बस उलट पुलट के सेक दूंगा, ब्राउन हो जाएंगी हल्की सी, बस उसमें लगाऊंगा अपना ये चीज़, ठीक है, और मैडम के आगे सर्व कर दूंगा। बहुत चलाक हूँ मैं इन मामलों में। तो अभी मैं बस ये ब्रेकफास्ट दूंगा, मेरा काम मेरे को करना है अभी। तो मैं वाइफ को मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखो, अरे दरवाज़ा बंद कर रखा है, शायद मीटिंग चल रही है, अभी तो खुला था। तो अभी तो मैं फिलहाल फटाफट ये ब्रेड को सेक के उसमें चीज़ लगा के और नाश्ता करता हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपना भी काम करना है। और क्या कहते हैं, आज कुछ हमारा बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है, घर पे ही है। क्योंकि काम थोड़ा मेरा ज़्यादा है, कल पेंडिंग हो गया था मैं क्योंकि बाहर गया था कुछ काम से, तो वो काम भी था और एक और भी काम है जो मैं करता हूँ घर में बैठ के, तो वो भी पेंडिंग है, तो वो भी करता हूँ। वाइफ अभी पहले अपना कर लें सिस्टम पे, क्योंकि सिस्टम एक ही है ना हमारे पास, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो दो सिस्टम होते तो हम दोनों का काम हो जाता, क्योंकि उनका भी वर्क फ्रॉम होम है और मेरा भी अभी घर से ही चलता है सब कुछ काम। तो अभी पहले वाइफ कर ले, फिर उसके बाद फिर मैं बैठूंगा सिस्टम के ऊपर। और बाकी हमारा दिन आज ऐसे ही है, हम अपने थोड़े ऑफिस के काम वाम निपटाते हैं और साथ साथ हम अपनी ब्लॉगिंग भी करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल अपनी थोड़ी चलाकी से अपनी ब्रेड ब्रेड सेक के, और देखो फोन आया मेरे को, ये होता है काम के समय ना। एक सेकंड देखूँ कौन है, चलिए मेरे फ्रेंड का फोन आ रहा है, थोड़ा अर्जेंट है, मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। सो गाइस, फोन पे बात हो गई, मेरा भी अपना ये रेडी हो गया है। मैंने ना अभी स्लाइस लगाई नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ना यूजुअली क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना, मेरा भी मन करता है मैं ना एक स्लाइस में एक ही चीज़ डाल के खाता हूँ, और इसमें दो में एक स्लाइस डालते हैं ना तो वो बड़ा सूखा सूखा लगता है। वाइफ को पता नहीं पसंद है कि नहीं, क्योंकि वो भी कभी कभी ऐसे खाती हैं, कभी कभी मूड होता है तो एक में भी डाल लेती हैं, बट मैं देखता हूँ, इसलिए मैं फिर ऐसे ही लेके जा रहा हूँ। मीटिंग शायद ख़त्म हो गई होगी, देखता हूँ, चलते हैं। अरे यार दरवाज़ा बंद है, खटखटाता हूँ। मीटिंग खत्म, एक मिनट। नाश्ता तैयार हो गया क्या? चीज भी नहीं लगाया उसमें? नहीं, चीज नहीं लगाया। तुमसे एक मेहनत का काम नहीं होता यार? मेरे को लगा कि तुम एक में दो खाओगी रख के, या दो में एक रख के खाओगी। गैस पे रख के चीज तो मेल्ट करना चाहिए था। वो गर्म है ना तो उसमें मेल्ट हो जाएगी अपने आप ही, देख रहे हो, मतलब करो ना फिर भी सुनने को मिलता है, ये होता है हमारे साथ। तो मैं इस प्लास्टिक के साथ खाऊं? प्लास्टिक तो बटा हुआ से निकलेगा, इसी जाके ढंग से मेल्ट कर। नहीं यार, यही करो, यही मैं डाल दूंगा ना। यार देखो, मतलब कितना करो ना फिर भी सुनने को मिलता है, ये ना बहुत गलत बात है, इसीलिए ना फिर सही है, इनके काम में इन्हीं को कर देने चाहिए, कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। मतलब एक मीटिंग क्या कर रहे हो, ऊपर से मेरे को बातें सुनाई जा रही है कि ये भी नहीं करके लाए, तो ना इतना करके लाए वही काफी। अच्छा है। मैं ना खाना बना दूंगी। हाँ। और चावल ऐसे कच्चे छोड़ दूंगी, बोलूंगी तुम उबाल के खा लो, ठीक है, चलेगा? खा लूंगा, आधे अधूरे काम। धोता तो वैसे भी मैं ही हूँ, है ना, कपड़े धो दूंगी, सुखाऊंगी नहीं। हाँ। कि ऐसे गीले पहन लो, कोई बात नहीं। देखो इतनी सी बात पे इतनी सारी बातें सुनाई जा रही मेरे को, ऐसे नहीं होता है, एक काम नहीं होता तुमसे। अच्छा ठीक है, थैंक यू, डाल के तो दो। नहीं, डाल लो अपने आप, गरम कर दिया, डालो अपने आप। मतलब ग्रेटफुल नहीं है, काम कर रहे हैं कि इंसान ने नाश्ता दिया है करके। मैं हमेशा ग्रेटफुल होता हूँ कि जब मेरे को नाश्ता मिलता है ना, क्योंकि मैं हमेशा पूरा मिलता है, क्योंकि तुम्हें पूरा, ये भी पूरा ही है, इसमें पूरा बस मिलता है, अंडा फेंक के रख दूंगी इस। यार ये जब भी मैं ब्लॉक करता हूँ मेरा फोन बज जाता है, कोई बात नहीं, साइलेंट कर दिया मैंने अभी। चलो चलो गाइस, ये तो चलता ही रहेगा, घर में ये सब होता रहता है। हम आपको सारी फुटेज नहीं दिखाते, कुछ कुछ होती है,
ये थोड़ी थोड़ी नोकझोंक तो चलती रहती है, सब घर में होता होगा मुझे पता है, आप लोगों के घर में होता है तो बताना मेरे को, कमेंट करना, ठीक है। नाश्ता करते हैं अभी, पेट पूजा करते हैं, ठीक है गाइस। आफ्टरनून टाइम हो गया, लंच टाइम, लंच आ गया है। ये रहा अपना लंच, आज है, ये है बेसन के जो चीले होते हैं ना, वो है विद द नारियल चटनी, लेकिन मैं इसके साथ ना सॉस भी खाऊंगा। मैं सॉस ले लूँ, मैंने बोला ना मेरे को सॉस दे दो, तो इनसे ना सॉस भी नहीं दिया जा रहा, पता नहीं अंधेरा क्यों कर रखा है। वही है ना, आज सुबह से नौटंकी हो रही है, मैंने अधूरा खाना दिया ना, तो मुझे भी अधूरा ही मिलेगा। ये सब होता है घर में, आज तो यही हो रहा है बस, सुबह से बदले लिए जा रहे हैं। ये मैंने पका के दिया, ये सोचो कि मैंने तुम्हें ऐसी खाली बेसन दे दिया घोल के। इसको खोलो, सॉस वो भी डालूंगा ना मैं, खाली बेसन बस। ये अपना सॉस, ठीक है, सॉस के साथ खाऊंगा, सॉस चीले, हाँ जो मर्जी खाओ कोई दिक्कत नहीं है। आज ना फाइटिंग डे है, ठीक है, आज ही चलेगा पूरे दिन, खाना भी ना फाइटिंग फाइटिंग करके खाया जाएगा। तो गाइस शाम हो गई थी, अभी ऐसा हुआ कि अभी ना 2 घंटे से हमारे, आपको पता नहीं पीछे आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, बहुत देर से ना बहुत ज़ोर ज़ोर से यहाँ पे कुछ इंजॉयमेंट चल रहा है, लोगों का शादी वादी है क्या फंक्शन है पता नहीं, इतनी तेज़ तेज़ डीजे बजाया हुआ था, तो मैं व्लॉग भी नहीं कर पाया कुछ ढंग से, क्योंकि इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, क्योंकि उस टाइम ने ना अपनी खिड़की विड़की खोल रखी थी, तो अगर मैं चलाता व्लॉग करता ना तो फिर वो कॉपीराइट इशू हो जाता, क्योंकि गानों में ना बैकग्राउंड में नॉइज़ आती पीछे से। तो भी अभी हमने बस चाय वाय पी ली थी, चाय के टाइम भी मैं सोच रहा था मैं व्लॉगिंग करूंगा, बट गाना की आवाज़ इतनी तेज़ थी, अब भी थोड़ा सा हल्का किया उन्होंने, बट फिर भी अभी वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है, पता नहीं पीछे मेरे को डाउट है कि कहीं बैकग्राउंड में नॉइज़ ना आ जाए। तो मैं सोच रहा था फिर आज के व्लॉग को हम फिर यहीं एंड करते हैं, हमारा सारा रूटीन का काम हो गया था आज का, चाय वाय भी पी ली, लंच वंच भी कर लिया, बस अब डिनर की तैयारी हो रही है, डिनर करते हैं, आज हम खाएंगे दाल चावल, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। दोपहर को तो हमने वही खाया था, बेसन का चीला जो आपको दिखाया था, फिर अब हम काली वाली दाल बनेगी आज मेरी फेवरेट, और साथ में चावल खाएंगे, दाल चावल है हमारे रात का डिनर, बस अब बनाने लगे हैं थोड़ी देर में। और इसी के साथ इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, आशा करता हूँ हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। सो टिल देन, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।